है तो एक्चुअली हार्मोन को क्या करता है ना इंडोक्राइन वो रेगुलेट करता है ये इंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकलने वाला हार्मोन होता है वो रेगुलेट करता है बॉडी बॉडी के ग्रोथ के मेटाबॉलिज्म को समझे और जैसे सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है या फिर प्रोडक्शन हो गया या मूड वगैरह आप जो देखते हैं ये सारा आपको यहाँ से गाइडेड होता है ठीक है यहाँ से भी गाइडेड होता है ये काम इसका होता है फिर देखिए आप इंडोक्राइन ग्लैंड का कुछ एक्जाम्पल है जैसे कि थोराइड ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड है तो इंडोक्राइन में मतलब डायरेक्ट अपना कहाँ करेगा सेक्सन ब्लड में करेगा तो ये नेक में पाया जाता है और जस्ट बिलो एडम्स का एप्पल के जस्ट नीचे पाया जाता है और ये निकालता है हारमोन थॉरा थॉयरेक्सिन टी फोर फिर ट्राई आयोडो थॉयरोन थार, थार, टी थ्री कल्सिटोनिन ये तीन हार्मोन निकलने वाला है जो थायराइड थायराइड ग्रांड से निकलता है ये सब इसमें आयोडीन से बना होता है आयोडीन कंटेंट होता है आयोडीन की कमी को देखिए आगे नीचे आएगा तो बताएंगे अभी हम और थायराइड ग्रांड के पास क्या होता है जी तो जैसे दो लोब्स होता है तो दो लोब्स एक जब जो जुड़ा होता है एक दूसरे के साथ तो जिससे जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं स्थुमूस बोलते हैं समझे उसके बाद ये हो गया आपका उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ट्राई ये जो टी वाला है वो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है समझे टी फोर बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता टी थ्री बायलॉजिकली एक्टिव होता है अब देखिए क्या होगा अब टी फोर जो होता है उस सेल में कन्वर्टेड हो जाता है टी थ्री में ठीक है इन द सेल एंड टी सू द बॉडी क्या करता है टी फोर इस कन्वर्टेड हो जाता है टू थ्री नहीं और टी थ्री बायोलॉजिकली एक्टिव होता है अब देखिए आयोडीन की अगर कमी होगी तो क्या होगा कम प्रोडक्शन होगा टी थ्री और टी फोर का तो फिर आपको बीमारी होगा नीचे आपको बताएंगे हम अभी उसके बाद देखिए कि मेन काम इसका क्या होता है थायराइड ग्लैंड का कि मेटाबॉलिक के जो रेट है जो प्रोटीन का सिंथेसिस है ये सब करता है इसका ये मेन काम है और अब यहाँ देख सकते हैं कि हार्ट रेट वगैरह जो होता है या बॉडी का टम्परेचर या सेंट्रल एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इस सब को भी रेगुलेट करने की करता है ये और ये जो आपका कल्सिटोनिन है ये क्या करता है तो ये जो होता है लोअर करता है लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस को ब्लड में अगर ज़्यादा हो गया तो उसको लोअर करता है और प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स तो ये यहाँ से भी गाइडेड तो देख रहे हैं हारमोन का कितना मतलब खेला है सारा खेला हारमोन का है कहीं ना कहीं चीज़ों को रेगुलेट करने में कहीं ना चीज़ों को कहीं ना कहीं चीज़ों को पावर हेल्प uh, करने में इनहेंस करने में कि ये चीज़ हो कि कहीं नहीं हो रहा है तो वहाँ डाउन करने में तो हर तरह से हार्मोन का क्या है अपना इम्पोर्टेंट रोल अगर ये इसका बैलेंसिंग गड़बड़ाएगा तो क्या होगा चीज़ें गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगी अब देखिए थायरॉइड हार्मोन जो होता है अगर हैप्पो हो जाए ये देखिए अगर गड़बड़ हो जाए हप्पो हो जाए मतलब कम अगर सेक्रेशन हो तो इससे बीमारी हो जाएगा क्या बीमारी होगा तो देखिए तीन चार तरह का बीमारी हो जाता है जिसमें आपको ग्वाइटर बहुत फेमस है जो आप जानते होंगे तो इसमें करेटिनिजियम करेटेजम हो जाएगा मैगजो डेमा डेमा हो जाएगा ग्वाइटर हो जाएगा ठीक है ना फिर हाइसोमोटो डिजीज़ हो जाएगा ये चार डिजीज हो जाता है देखिए आप ये इसमें क्या है कि फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में अच्छा नहीं होता रिटार्ड हो जाता है उसमें अच्छा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा ना फिजिकली अच्छा ग्रोथ हो पाएगा ना मेंटली तो इसमें कहीं ना कहीं रिटार्डेशन देखने को मिलता है मैगजोडीमा होगा तो इसमें क्या होगा कि फेस जो फूलने लगता है स्वेलिंग ऑफ फेस होने लगता है स्वेलिंग एंड उससे क्रेशन होगा मतलब T3 T4 और जो आपका कल है ये अगर अच्छा से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इस केस में ये सारी बीमारी होना स्टार्ट हो जाएगा मतलब किसी का अगर फेस चेहरा ज़्यादा फुल रहा है तो वो वो रीज़न होता है कि टी थ्री क्या हो रहा है कम निकल रहा है ग्वाइटर में क्या हो जाता है कि आयोडीन का डिफिशेंसी हो जाता है ज़्यादा हिली वाला एरिया में वाटर में आयोडीन नहीं होता है अब तो यहाँ नॉर्मल जगह पर भी क्या होता है सब फिल्टर लगा लिए हैं तो आयोडीन की ऐसे भी कमी तो आयोडीन अगर वहाँ से कम हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा आयोडीन का इंटेक का जितना डेली का है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं पानी से नहीं ले रहे तो किसी अदर सोर्स से लीजिए समझे तो ओवरऑल मतलब बैलेंसिंग होना चाहिए तो ये यहाँ पे दिक्कत फिर यहाँ पे देखिए हेजोमिया डिजीज में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम पे ही अटैक कर देता है ये अगर डिजीज होगा अगर कम ये सिक्रेशन होगा तो खुद ही इम्यून सिस्टम क्या करेगा अटैक कर देगा, देगा थोरॉइड पे और जिसके वजह से इसीलिए बोलते हैं कि सुसाइड ऑफ थोरॉइड ग्लैंड बोलते हैं ठीक है ना इट इज़ आल्सो नो ये से मोटो डिजीज जो है इसको हम ग्लैंड का सुसाइड बोलते हैं क्यों क्योंकि खुद का इम्यून सिस्टम अटैक करता है थोरॉड पर समझे और अगर खुद के किया थोरॉड पर अटैक मतलब क्या हो गया कि कम्प्लीट लॉस हो जाएगा रिजल्टिंग रिजल्टिंग इन इट्स कम्प्लीट लॉस मतलब <coughs> थोराइट ग्लैंड का जो मेन काम है जो कर रहा है ये वो निकाल रहा है वो खुद ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा दिक्कत होगा तो वहीं सारा दिक्कत क्रिएट करना शुरू हो जाता है अब देखिए कि हाइपर सिक्रेशन अगर इसका ज़्यादा सिक्रेशन होने लगे तो क्या होता है एब नॉर्मल प्रोस्टोशन ऑफ द आई बॉल ठीक है ना आई बॉल का जो सेप से एंड साइज होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा फिर पारा ग्लैंड जो है फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत है अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है एब नॉर्मल हो जाता है आई बॉल वगैरह में ज़्यादा होने से भी तो ज़्यादा भी सेक्रेशन सही नहीं है अब देखें यहाँ पे पाराथोराइड ग्लैंड जो होता है उसमें देखिएगा तो चार स्मॉल ग्लैंड होता है पाराथोराइड खुद चार स्मॉल ग्लैंड रखता है और ये क्या है इसका मेन काम क्या है कि प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द नर्वस सिस्टम को और मस्कुलर सिस्टम को और जो भी आपका एक स्तरेंथ देता है अपना स्केल्टर सिस्टम को तो ये पाराथराइट ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन ये सब काम खिलता है और पाराथराइट ग्लैंड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द पिटेट्रिक्ड पेटेट्रिक ग्लैंड से गाइडेड नहीं हो रहा होता है और ये नेक में पाया जाता है पाराथराइट ग्लैंड और पाराथराइट ग्लैंड जो होता है वो एक हर्... निकालता है कौन सा हारमोन तो पाराथारमोन यानी पीटीएच जो क्या करता है ये रेगुलेट करता है कैल्शियम के लेवल को ठीक है ना तो इस तरह से ये काम अपना कर रहा होता है अगर इसका हाइपोसक्रेशन हो जाए मतलब कम सेक्रेशन होने लगे तो क्या हो जाएगा ये तो लो कैल्शियम हो जाएगा ब्लड में तो जिसके वजह से अगर कैल्शियम की कमी होती है ना ब्लड में तो क्रैम्पिंग आता है ट्विचिंग मसल्स आप जो देखते हैं कि क्रैम्प आ गया तो मतलब ब्लड में कैल्शियम की कमी है तो क्यों क्योंकि क्योंकि ये बैलेंसिंग करता है पैराथायराइड अच्छा से अगर ये नहीं निकालेगा हार्मोन वगैरह तो कैल्शियम बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा या तो ये रीज़न है या दूसरा रीजन कि आप कैल्शियम का इंटेक ही नहीं कर रहे हैं समझे तो भी दिक्कत है क्योंकि एक लिमिट तक ही सारा चीज़ होता है जो बॉडी अपने आप को सेंसिस करने की कोशिश करता है जो लेवल पे अब यहाँ पे देखिए टिटैनी जो होता है टिटैनी ये क्या है इन्वोलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस ठीक है ना वॉलेंट्री नहीं है इन जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है ये सब चीज़ जो देखने को मिलेगा और मतलब इसी की कमी अगर इसका कम निकलेगा ना ये पैाथेराइड जो निकाल रहा है ये हार्मोन आपका पैराथ्रोमिन जो कैल्शियम को बैलेंस कर रहा है अगर ये कम निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगा अब देखिए प्रॉपर ग्रोथ जो होता है बोन का ये नहीं हो पाएगा तीत का ब्रेन का तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कितना गाइडेड है ये सब चीज़ें एक दूसरे से अब देखिए हाइपर सेक्रेशन जो होता है ज़्यादा सेक्रेशन हो जाए तो बोन आपका एकदम फ्रजाइल हो जाएगा लगेगा कि बोन को प्लास्टिक की तरफ मोड़ दीजिएगा इस तरह से हो जाएगा बोन आपका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं ऑस्टियो है ऑस्टियोपोरोसिस माने अगर पाराथराइड ग्लैंड पाराथराइड गलैंड जो है वो ज़्यादा सेक्रेशन करने लगे तो बोन को क्या बना देगा फ्रजाइल बना देगा तो बोन का जो फ्रजाइल हो जाना होता है उसी को बोलते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो किसकी वजह से होता है तो ये यही आपका पाराथराइड ग्लैंड का ज़्यादा सेक्रेशन की वजह से और अच्छे से बोलना होगा तो क्या बोलिएगा कि पाराथरोम हार्मोन के ज़्यादा सेक्रेशन की वजह से पीटीएच हार्मोन के ज़्यादा सेक्रेशन की वजह से और इसमें क्या होता है कि आपके भूख जो है वो नहीं लगेगा ठीक है ना लॉस ऑफ हेपेटाइट हो जाता है किडनी स्टोन हो सकता है इससे ये हो गया आपका उसके बाद देखिए ये स्ट्रक्चर हूमैन का उसमें यहाँ पे देखिए ये पीनियल ग्लैंड हो गया जो मिलेटोन निकलता है ये यह यहाँ पे पिट्री ग्लैंड है जो क्या करता है क्या निकलता है तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और भी हार्मोन निकलता है जो अंदर में पढ़ाया हो ना तो उसमें कवर हो गया होगा इसलिए हम पूरा यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं किए तो मोटा मोटी आप देखिए यहाँ पे बाकी अंदर में आपको मिलेगा तो पिटट्री ग्लैंड जो है वो क्या निकालता है ऑक्सीटोसिन क्योंकि एक ही यहीं पर बता दूंगा फिर अंदर भी बताऊँगा तो एक ही चीज़ को दो बार बताऊँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना इसलिए यहाँ पे जो अंदर नहीं बताया उसको यहाँ पे बता दे रहा है, निकालता है उसके बाद इसे निकलने वाला हार्मोन है जैसे सुमेटो, सुमेटो, सुमेटो ट्रो, बोलते हैं एस टी एच और प्रोलैक्टीन बोलते हैं हार्मोन बोलते हैं आपका एफ एस एच निकालता है या इसी को क्या बोलते हैं इंटरस्टेडियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर टी निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये फिर इस्टोमक क्या करता है दो हार्मोन निकलता है गैस्ट्रीन और गेरलिन और आपका पेनकिराया अल्फा बीटा और डेल्टा निकलता है जो कि अल्फ़ा सेल क्या करता है ग्लोकोन निकालेगा और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता और सोमेटो एस्टेनिन यहाँ से भी निकलता है डेल्टा से भी देख सकते हैं आप और यहाँ से सोमेटो एस्टेनिन नहीं निकलता यहाँ से सोमेटोट्रोपिन निकलता है समझ रहे हैं बारीकी को देखिएगा और यहाँ पे एड्रिनल ग्रैंड क्या निकालता है आपका यहीं पे आपको देखने को मिलेगा एड्रिनल ग्रैंड में आपका एड्रिनल मेडोला और कॉटेक्स वगैरह और ये क्या करता है कॉटिसोल निकालता है किस चीज़ के लिए है बताएंगे हम अंदर इसका फंक्शन वगैरह सब आएगा अब देखिए टेस्टी होता है मेल में मिलता है जो कि टेस्टोशोल निकालता है एंड्रोजन और टेस्ट इधर अंदर आएगा बताएंगे अभी बताएंगे फिर लंबा होगा ओवरी जो होता है वो क्या करता है एस्ट्रोजन और प्रोगस्ट्रॉन निकालता है किडनी जो है वो आपका कलसी ट्रो कलसी ट्राईओल निकालता है रेनिन निकालता है ठीक है ना रेथ्रो प्रोटीन निकालता है और आपका लीवर जो होता है आई यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर निकलता है लीवर इस तरह से आपका ये हो गया उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एड्रीनियल ग्लैंड जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सुपरा रीनल ग्लैंड तो एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है कि ये रेगुलेट करता है जो क्वांटिटी होता है मतलब सोडियम का और क्लोराइड का उस उसके लेवल को ये क्या करता है उसको रेगुलेट करता है और ब्लड प्रेशर को इस तरह से ये क्या करता है मेंटेन करता है उसको रेगुलेट करके ठीक है ना अगर आपका तो ये ये जो है एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाला हारमोन जो है देखिए ये वाला जो हारमोन है मिन, ए, मिनरल मिन, मिनरल कॉटिस कोटिस कॉइड आप पनन्िएशन देख अल्डो अल्डो लीजिएगास्टोर तो ये ये हार्मोन जो होता है Adrenaline से निकल यही हार्मोन का काम है ये करना अगर ये नहीं निकलेगा अच्छे से ये नहीं होगा अच्छे से तो क्या होगा दिक्कत हो जाएगा ब्लड प्रेशर वगैरह को आप क्या दिखेगा मेंटेन नहीं रहेगा तो लो हाई दिखिएगा तो ये चीज़ होता है यहाँ पर अब ये डिपेंड करता है लोहाई क्या होगा सेग्रेशन वगैरह पे तो वो चीज़ आप समझ रहे होंगे हम उतना आपको रीजनिंग यहाँ पर नहीं करवाते हैं लॉजिकली उतना नहीं सोच पाते आप समझ सकते हैं चीज़ों को अब देखिए यहाँ पे ग्लोको कॉटी कॉटिकोड जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉटिसोलिक क्या है हार्मोन है ये क्या करता है प्रमोट करता है रिलीज रिलीज करने के लिए यही है यही हार्मोन है जो रिलीज करवाता है ग्लूकोज को फैट को और प्रोटीन यानी अमीनो एसिड को ब्लड में ठीक है तो जो प्रमोट होता है ना ग्लाइकोजेनेसिस इन द लिवर ये यही हार्मोन की वजह से हो रहा होता है कि लिवर में ग्लाइकोजेनेसिस इट आल्सो प्रमोट था ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है ग्लाइकोजेनेसिस जानते है ना जी अब यहाँ पे देखिए कि इसी हार्मोन को बोलते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन मतलब जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो ये सब ये तुरंत प्रमोट करेगा कि ग्लूकोज निकले फैट निकले प्रोटीन निकले मतलब आप टेंशन में तो चीज़ों क्या है भै? अच्छा नहीं चल रहा है मतलब हो सकता है कि कोई आया कुछ कोई आया कुछ बोल दिया आपको तो एकदम तो तो ये हो गया है टेंस हो गए या कोई फैट आप पटाना तो टेंशन आता है ना तो इसी टेंशन में ये निकलता है बॉडी अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और भी बहुत सारे से निकलता है जिसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इसका भी रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पर वो प्राइमरी हो जाएगा जैसे मान लें कि कोई आपको फाइट करने के लिए आ रहा है तो फैट एंड फ्लाई हार्मोन निकलता है ताकि वो चीज़ें हो सके और क्या हो आपके अंदर एक एनर्जी और खटाक से आप अपने आपको सेव करें तो ये भी निकलता है ये भी अपने आपको क्या कर रहा है यहाँ पे भी ग्लूकोज फैट प्रोटीन निकलता है ताकि आपका बॉडी प्रिपेयर हो उस चीज़ के लिए उ उस मोमेंट पर उस चीज़ से लड़ने के लिए उस मोमेंट पर उस चीज़ को जीतने के लिए क्योंकि बॉडी हमेशा क्या करता है फाइट करता है तो देखते हैं जो नेचर होता है ना इंसान का देखिए यहाँ पर उतना नहीं खोलते हैं इसका इंडिविजुअल क्लास लाऊंगा लगाऊंगा बताऊँगा मैं खोल खोल के तो ये यहाँ पर ये चीज़ें हो गया उसके बाद क्या कहते हैं इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं क्योंकि क्या करता है अंडर स्ट्रेस भी ज़्यादा निकलता है जब अंडर स्ट्रेस हो, तो हो जाएगा तो ये ज़्यादा निकलना स्टार्ट शुरू हो जाएगा अगर इसका कम से हो जाए हेपो हो जाए तो क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन हो जाता है सो तो आप देख सकते हैं वाटर सोडियम की कमी हो जाएगा और हप्पर हो जाए ज़्यादा निकलने लगेगा तो क्या होगा फैट स्टोरेज होने लगे जाएगा शुगर लेवल जो होता है ब्लड में इंक्रीज करना जाएगा समझे और एंड्रोजेन हारमोन जो होता है ठीक है ना ये भी निकलता है ये एंड्रोजेन हारमोन भी निकलता है समझ में आ रहा है तो आप देख लिए पहला नंबर ये देख लिए हारमोन फिर कॉटिसोल देख लिए फिर ये आप देखिए एंड्रोजन निकलता है मतलब कम निकलता है लेकिन ये भी है एंडोजेन। एंडोजेन निकलता है एंड्रोजन एंड्रोजन ज़्यादा कहाँ से निकलता है टेस्टिस से तो एड्रीनल कॉटक्स को, को, जो होता है वही बनाता है अब एड्रीनल ग्रैंड में कौन बनाता है एड्रीनल कॉटेक्स वाला ही पार्ट बनाता है एंड्रोजन हार्मोन उसके बाद आप देख सकते हैं एड्रीनल वेलिजियम जो होता है ये क्या होता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है जब वोमेन में होता है जब देखने को मिलता है वोमेन में जैसे फेसियल हेयर वगैरह ये सब तो ये क्यों हो रहा है तो ये एड्रीनल वेरेलीजम जो होता है ये तो ये वाला जब हार्मोन ज़्यादा सिकरेट होने लगता है ना तो आप ये चीज़ें देखने को मिली मिलेगा कौन सा हार्मोन ये एंड्रोजन हार्मोन जब वोमेन में ज़्यादा सिकरेट करने लगता है ना एड्रेनल कॉर्टेक्स तो जो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ कि फेसियल आने लगा तो इसी को क्या बोलते हैं एड्रेनल एड्रीनल बोलते हैं ठीक है ठेके? अब यहाँ पे देखिए कि एड्रेनल मेडुला जो है क्या निकालता है तो इससे निकले निकलेगा जो हारमोन उसका आप देखिए अब तो मेडुला ये सब किससे है किसका है जी सब एड्रीनल ग्लैंड का ये तो एड्रीनल मेडुला सब क्या निकल रहा है अब यहाँ से निकल रहा है आपका एपिनेफ्रीन और एड्रेन जो बोलते हैं ठीक है जो इमरजेंसी इसी को बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन एंड फाइट एंड फ्लाई हार्मोन ठीक है तो फियर या एंगर वाला सिचुएशन में ये निकलता है सो कहाँ हो इसकी वजह से क्या हो जाएगा हार्ट रेट तेज हो जाएगा मसल दस्तरे लगेगा ब्लड में ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा ये सब आपका और शुगर मेटाबॉलिज्म जो होता है फास्ट हो जाता है खटाक से कि एकदम अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए क्या सिचुएशन बताओ हम उससे जूझना है तो उसके लिए एनर्जी होना चाहिए ना तो ये सारा चीज़ें होने लगे खटाक से आपके बॉडी में समझ रहे हैं कितना भयानक हारमोन का रोल है ये जैसे ही निकला हो ये करवाना स्टार्ट हो जाएगा तो हारमोन का रोल बहुत भयंकर है अगर आप देख सकते हैं कि सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो सो कंट्रोल हो जाता है तो ये 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 जो चीज़ें होता है रेगुलेट हो जाता है इट रेगुलेट सच एक्शन विच आर कंट्रोल्ड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो ये सा, सारा कौन कंट्रोल ऐसे जैसे ये कौन कंट्रोल करवा रहा होता है कहीं ना कहीं ब्रेन से गाइडेड है ना तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उससे ए, सो कंट्रोल हो जाता है उससे करता है ब्रेन वहाँ से देगा फिर ये यहाँ सिग्नल आएगा वो बताएंगे आपको रिलेट करके बताएंगे जब इंडिविजुअल क्लास लेंगे तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या करता है तभी डॉक्टर ये आप हार्मोन हार्ट में लगाता है जैसे कब कौन सा जैसे ये देखिए ये चीज़ें यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आ, हार्ट अगर फेल उल कर जाए फंक्शन करना ठीक है ना या श्टार, तो स्टार्ट करने के लिए पल्स ऑफ द हार्ट क्या करता है ये वाला जो हारमोन है ना एडलिन या एपिनिफ्रिन हारमोन ये ये डॉक्टर लगाता है तब इस सीरेंज की तरह से इंजेक्शन लगाएगा ये वाला हार्मोन देता है तब भी डॉक्टर क्या करता है ये हार्मोन हार्ट में लगा हार्ट हार्ट में लगाता है हार्ट में देता है मतलब एक आपको क्या करेगा सुई देगा इस हार्मोन वाला तो उ, उससे क्या होता है ताकि अगर पॉसिबिलिटी है तो क्या हो सके चीज़ें हो सके बैलेंसिंग और फिर से पल्स रेट क्या हो सके स्टार्ट हो सके उसके बाद देखिए आप ये जो होता है आपका नोरो ठीक है ना ये क्या करता है ये आपका इसी का है एडोनल मेडोल से ही ये दोनों निकलता है ये सब किसका है एडोनल ग्रैंड से निकलने वाला हार्मोन है तो ये क्या करता है ये वर्क विद द इसी के साथ वर्क करता है ये डोनिन के साथ ये वर्क करता है इन रिस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस कि किस तरह से काम करना है अब यहाँ पे देखिए थामिस ग्लैंड क्या करता है थामिस ग्लैंड में पाया जाता है आपका पाया थामिस ग्लैंड पाया जाता है बिटवीन द लंग्स और ये मोस्ट एक्टिव होता है अनटिल पॉपर्टी पोवर्टी तक एंटिल पॉपर्टी जब तक आप पॉवर्टी नहीं पहुँचते तब तक ये बहुत एक्ट एक्टिव होता है बहुत एक्टिव होता है उसके बाद क्या होता है कि कम्प्लीटली रिप्लेस्ड हो जाता है बाय द फैट यही ये 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 खुद रिप्लेट हो जाता है बाय द फैट समझे बॉडी देथ हेमस विल बिकम लेस एंड लेस एक्टिव होना हो जाएगा एंडार्ट स्टार्ट स्लोली अवर स्टार्ट स्लोली स्रिंग करना स्टार्ट हो जाता है एंटीट इट इज़ आलमोस्ट कम्प्लीटली रिप्लेस द फैट तो यही ये, ये क्या हो जाता है फिर फैट बन जाता है फैट में ही कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या करता है सेल मेडिटी मेडिटिएट इम्यूनिटी में मेडिटिएट इम्यूनिटी मतलब ये इम्यूनिटी में काम करता है इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करता है और एक और ये क्या करता है एस्टिमुलेट करता है किस चीज़, कि चीज़ को एस्टमलेट करता है मैचुरेशन करता है किस चीज़ को डिजीज फाइटिंग टी सेल जो टी सेल है जो लड़ता है जो डब्ल्यू से बन डब्ल्यू का ही अंदर का पार्ट है ये टी सेल तो ये जो होता है इससे लड़ने के लिए तो टी सेल को क्या करता है उसको एस्टमलेट करता है उसको मैच्योर करता है कि ऐसे करना है वैसे करना है सिचुएशनल के हिसाब से सारा काम हो रहा होता है अब देखिए पीनियल ग्लैंड जो होता है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक इसी को बोलते हैं सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्रैंड ग्लैंड आपको यही है इसको कोनारियम भी बोलते हैं और ये इपिथैलियम्स में पाया जाता है ठीक है ना एपिथैलियमस में पाया जाता है और ये क्या निकलता है पीनियल ग्लैंड मिलाटोनी निकलता है जो कहाँ काम करता है इंटरनल क्लॉक ऑफ और बॉडी की तरह काम करता है ठीक है ना ये रेगुलेट करता है बॉडी के जो सर्केडियन करकेडियन सर, जो रिदम है उसको रेगुलेट करता है और इससे ये सिग्नल देता है क्या देता है सिग्नल जैसे तुम्हारे पास्ट में ए, के हिसाब से सिग्नल ही देगा कि क्या करना है नहीं करना है जैसे पास्ट में आपकी समन फील टायर्ड कि हम इतना बजे टायर्ड हो जाते हैं या इतना बजे हम सो जाते हैं या पेकअप कर जाते हैं ठीक है ना तो उ, तो उस समय वो अलर्ट करवाता है समझे इसी हिसाब से फील अलर्ट अराउंड द सेम टाइम ईच डे आपको ये करवाएगा और लाइट में लाइट के अकॉर्डिंग ये काम करता है मेलाटोनिन वाला डार्क में ये ज़्यादा बनता है ठीक है ना सो मेलाटोनिन का रोल होता है स्लिप में कि अब डार्क होता है जैसे अब तो डार्क होना लगता है तो हाँ इतना बजे हम सोते हैं तो उतना बजे आप सो जाइएगा तो उस समय ज़्यादा ही निकलना स्टार्ट हो जाएगा समझे

तो ये पिटट्री ग्लैंड क्या होता है अदर ग्लैंड को गाइडेड कर रहा होता है समझे अदर ग्लैंड जो है तो वो वो गाइडेड हो रहा होता है पिटट्री ग्लैंड से समझ में मारा बात तो ये पिट्री ग्लैंड कहाँ है ब्रेन में है ना जी तो ये कभी कभी तो ये भी पूछता है कि इसका लोकेशन पूछ देगा अब यहाँ पर देखिए ये क्या निकलता है तो ये निकलता है आपका एस एस टी एच या इसी को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन ठीक है इसको क्या बोलेंगे सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं स्टैनिन नहीं बोलते हैं ट्रोपिन और ये क्या करता है अगर इसका सिक्रेशन कम हो जाए ज़्यादा हो जाए हेपर हो जाए तो क्या होगा अरे तो हेपर अगर हो जाएगा तो इसका सिकरेसन हैपर होने की वजह से क्या हो जाता है एकरोमिगेली हो जाता है एडल्ट में और गिगानिटिजम हो जाता है चिल्ड्रन में समझे और इसका सिकेसन अगर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा डॉर्फिनिजम हो जाएगा इन चिल्ड्रन में मतलब ज़्यादा नहीं लंबा होगा बड़ा नहीं हो पाएगा ज़्यादा अब यहाँ तक गोनाइटोट्रोफिन जो होता है जी जिसको बोलते हैं ये एस्टिमेट करता है ये क्या ये निकालता है क्या एफ निकालता है देखिए पहले यहां से आप देखिए ये क्या है एक जिनेटोट्रोफिन हार्मोन जो है ये क्या है तो ये एस्टुमलेट करता है प्राइमरी सेक्स हार्मोन को जैसे कि ओबरी है ये निकलेगा तो ये एस्टुमलेट होगा और जब ये स्टूमलेट होगा तो क्या होगा आ, तो जी टी एच क्या करता है इसमें आपको देखने को मिलेगा जी टी एच में एफ एस एच निकालता है तो और एल एच निकालता है गोनेटोट्रोफिन तो एफ एस एच और एल एच तो एफ एच एस एच जो निकालता है फॉलिकल स्टिमिलेटिक हार्मोन तो ये क्या, क्या ये निकलता है तो क्या होता है मेल और फीमेल दोनों में निकलता है सबसे पहले तो एफ एस एच और ये क्या करता है मेल में क्या करता है मेल में ये स्पर्माटोजनिस करवाता कर है और फीमेल में ये क्या करवाता है एस्ट्रोजिन का प्रोडक्शन करवाता है समझे और ल्यूटिनाइजिंग हारमोन जो एल एच है वो क्या करता है एक को रिलीज एक जैसे रिलीज करता है फीमेल में तो इसी हारमोन की वजह से वो रिलीज़ कर रहा होता है और टेस्टोस्ट एक्ट्रेन जो बन रहा होता है मेल में वो इसी हारमोन की वजह से बन रहा होता है एक्ट्रोनाइजिंग हार्मोन की वजह से एसपरमेटोजेस में एक पढ़ाया हूँ कि कैसे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है मैं उसका लिंक दे दूँगा आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे देखिए आप लैक्टोजेनिक हार्मोन बाकी एकदम सिंगल सिंगल जब वीडियो लाऊंगा ना तो अच्छे से उसमें खोल के रखूँगा अभी यहाँ पे खोलने का कोई मतलब नहीं है ना ओवर ऑल यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं ना एक ओवरऑल आप ये ले रहे हैं आइडिया कि क्या है कैसे है क्यों है उसके अंदर डेप्थ में जाने के लिए उसका सिंगल सिंगल वीडियो बनाना पड़ेगा समझे अब देखिए इलेक्ट्रोजेनिक हार्मोन ऑलरेडी देखिए बीस मिनट हो है दो पेज को ही डिस्क्राइब करने में ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ अब जो पॉइंट वही बोलूँगा यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोजेनिक हारमोन जो होता है ये प्रोलेक्टीन बोलते हैं ये क्या करता है तो ये ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन करता है जैसे जब बच्चा पैदा होता है ना तो ये मिल्क में जो प्रोडक्शन होता है ये माँ में जो मिल्क आता है ब्रेस्ट में उनके वो होता? क्यों होता, क्यों होता? क्यों है क्योंकि लेटोजोनिक हारमोन या प्रोलैक्टिन निकलता है समझे ये ज़्यादा अगर निकलेगा तो क्या कर सकता है कैन अफेक्ट कर सकता है मैंसुल मैसुल पीरियड जो चलता है उन लोग का जो सेक्सुअल फंक्शनिंग है उस चीज़ को भी ये दिक्कत कर सकता है फर्टिलिटी वगैरह को दिक्कत कर सकता है उसके बाद देखिए टी जो होता है ये जो टी एच वगैरह निकलेगा फिर एस टी एस देख सकते हैं ठीक है ना कॉटिसोल स्ट्रेस हारमोन ठीक है यही एस्टोमलेट करता है जैसे एंड्रो ये जो ए है ना ये क्या करता है ये एस्टोलेट करता है आपका कोटिसोल यानी स्ट्रेस या हारमोन को ठीक है उसके बाद देखिए मेटाबोलिक मेताबो, हारमोन जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया फैट हो गया एंड प्रोटीन हो गया ये हारमोन क्या करता है इन्फ्लुएंस करता है ये सब के इस सब के मेटाबोलिज्म को तो मेटाबोलिक हारमोन निकलता है कहाँ निकल तो से निकल रहा है तो ये पिटट्री गलैंड से निकल रहा है ये जितना हारमोन निकलने वाला हो कहाँ से निकल रहा है जी सब पिटट्री गलैंड निकल रहा है समझ में आया अभी यहाँ पे और देख सकते हैं आप उसके बाद वैसोप्रेसिन या इसको क्या बोलते हैं एंटी डायो, डायोरेटिक हार्मोन ठीक है ए डी एच बोलते हैं इस हार्मोन के निकलने से क्या होता है तो रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का फ्रॉम द किडनी किडनी का जो ट्यूबल्स होता है उसमें से जो री होता है ना तो ये अगर हार्मोन ना निकले ना तो नहीं होगा समझे वो सब चीज़ हो रहा होगा फिर ये चीज़ हो ही नहीं पाएगा तो ये ये हार्मोन निकलता है और ये चीज़ें वहाँ पर हो रही होती है और वहाँ पर वो सब सेंस करवा रहा होता है सिग्नल जा रहा होता है तो ये चीज़ें फिर हो पाती होगी वो किडनी का वो वाला पार्ट जो होता है स्पेसिफिक क्या करता है री कर लेता है और इस तरह से क्या करता है मेंटेन करता है वाटर के बैलेंसिंग को सोडियम लेवल को ठीक है ना खून में और क्या है वो सब कैसे होता है वो खून में ही होता है ना वहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसका अगर कम निकलना हो जाए हप्प हो जाए तो क्या हो जाएगा डायबिटीज़ हो जाता है पेशेंट मतलब उसका यूरिन ज़्यादा आएगा देखिएगा डायबिटीज़ पेशेंट जो होता है वो पेशाब बहुत करता है सुसु बहुत करेगा और अगर हैप्पर हो जाए यानी ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए तो उसको क्या होगा यूरिन कम हो जाएगा देखिएगा कि क्यों क्योंकि हमारी ऑब्जॉर्बेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा जो यूरिन बन ही बन ही नहीं पाएगा ना तो किडनी से नहीं समझ पा रहे होंगे क्या जी अब पूरा वहाँ पर हम नहीं बताएंगे खोल के लाना है तो इंडिविजुअल क्लास लाएंगे किडनी क्या करता है वो सारा फिल्टर करके बाहर निकालता है ना तो एक तरह से यूरिन ही बनता है यूरिनली वर्डर में जाके होता है सारा खेला यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है आपका मिलानी पिगमेंट ठीक है ना ये मिलानिन पिगमेंट क्या देता है स्किन का जो कलर आपका वो मिलानिन पिगमेंट ही डिसाइड करता है मिलानिन का में तो गोरा आप ज़्यादा दिखिएगा ज़्यादा काला है तो उसमें मिलानी ज़्यादा होता है समझे और वो कौन निकालता है तो ये देखिए यहाँ मिलोनो साइड एस्टिमिलेटिंग हारमोनियम सेच यही रेगुलेट कर रहा होता है नंबर ऑफ मिलानियन पिगमेंट को आपके आपके सेल में समझे तो ये कहाँ से निकल रहा है ये सब प्यट्री ग्लैंड से ही निकल रहा है ये सारे हार्मोन अब देखिए कि ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन जो है तो इसे क्या कहते हैं इसको बोलते हैं बाइंडिंग हार्मोन समझे क्यों क्योंकि यही जो है लब हार्मोन या बर्थ हार्मोन है समझे बर्थ के समय नहीं ज़्यादा हार्मोन निकलेगा लब हार्मोन भी है ऑक्सीटोसिन या पिकटोनिन जब ये मदद करता है आपको सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन फीमेल में माँ जब अपने बच्चे को जब वो प्यार करती है ना उसको किस करती है प्यार करती है हक करती है तो ये हार्मोन निकलता है माँ में समझे तो ये लव हार्मोन से जाना जाता है उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं उसके बाद यहाँ देखिए पेनक्रियाज जो होता है पेनक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं पेनियाज पेनक्रियाज के इंडोक्राइन पार्ट को हम लोग आइलेट ऑफ फ्लैग्रेंस बोलते हैं उसके बाद अब डायबिटीज़ में जो होता है डायबिटीज़ आपका टाइप वन टाइप टू होता है टाइप वन में क्या होता है डो नॉट प्रोडक्शन ये इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं करता लेकिन टाइप टू आमतौर पर सब लोग को होता है जैसे फैट पर्सन आए तो उसको कौन कौन सा डायबिटीज़ होगा आमतौर पर टाइप टू डायबिटीज़ होता है उसमें क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है लेकिन इतना बहुत ज़्यादा नहीं होता है समझे अब यहाँ पे देखिए अल्फा सेल क्या है क्या है इंसुलिन क्या करता है अंदर में आएगा इसलिए यहाँ पे नहीं बताया ठीक है अल्फा सेल क्या निकालता है ग्लूकागोन निकालता है और जो क्या करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और डेल्टा सेल क्या करता है ये ये सोमेटोस्टैन ही निकालता है और भी काम इसका है ये इनहिबिटर की तरह भी काम करता है देखिए जब सोमेटोस्टीन निकालता है तो ये क्या करता है सोमेटोस्टिन तो एसिमिलेशन प्रोसेस में काम करता है समझे और इसका और भी काम क्या है कि इन्हीबिटर की तरह काम करता है कि ग्रोथ हारमोन को इन्हीबिट करवाता है ठीक है फिर इंसुलिन को इनहिबिट करवा रहा था कि ज़्यादा ना इंसुलिन निकल जाए समझे ग्ला ग्लूका को भी इनहिबिट तो ये इनहिबिटर है इनहिबिटर की तरह काम करता है डेल्टा सेल तो इसका अभी बहुत ज़्यादा ही निकाल तो ज़्यादा इनहिबिट कर देगा तो फिर बॉडी में क्या हो जाएगा बैलेंसिंग अड़बड़ा जाएगा तो देख रहे हैं सब कितना उसका एक लिमिट में ही निकलना चाहिए जो भी है उसका फंक्शनिंग उस हिसाब से ही होना चाहिए उसके बाद अब ये देखिए फिर जो हो गया या डाई हाइड्रो डाई हाइड्रो टेस्टोस्टोरें जो हो गया या एंड्रो एस्टिनियन डायोन जो हो गया ये सारा क्या है एंड्रो जिसे मेजर एंड्रोजेन इन मेल जो होता है ये सारा ये सारा ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का ही रोल होता है लेकिन ये मेन होता हो लेकिन ये सारा भी है ठीक है उसके बाद आप देख सकते हैं तो एंड्रोजेन में ये सब आता है ये तीनों आएगा समझे एंड्रोजन मतलब सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का ना सही नहीं है लेकिन मैक्सिमम होता है टेस्टोस्टेरोन इसलिए डायरेक्ट हम लोग बोल देते हैं कि एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन अब यहाँ देखिए एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो बहुत मेन एंड वोमेन में आपको एड्रिनल ग्लैंड होता है और मच लोअर लेवल पे क्या करता है एंड्रोजन बनाता है पीछे भी बताए थे और टेस्टिस में कंपेयर में बहुत कम बनाता है ये टेस्टीसी तो आपका एंड्रोजन निकलता है ना अभी आप देखें एस्ट्रोजेन हो गया या प्रोग्रेस्ट्रॉन या रिलैक्सिन जो होता है वो क्या करता है सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स देने में ये तीनों का रोल रहता है ऐसा नहीं है कि रिलैक्सिन का नहीं रहता है इसका भी रहता है और इसका वजह क्या होता है कि एस्ट्रोजेन ये सबका वजह क्या होता है इसके निकलने से क्या होता है एस्ट्रोजेन के निकलने से बता रहा हूँ एस्ट्रोजेन के निकलने से क्या होता है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है ठीक है आप जो लड़के लोग का ब्रेस्ट देखते हैं तो वो हारमोन निकलना बंद हो जाए ना निकले तो उसका अच्छा ज़्यादा Uh, मतलब ब्रेस्ट का साइज नहीं बढ़ पाएगा समझे तो ये हार्मोन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हार्मोन करवा रहा होता है इस तरह से अब कैसे करवा रहा होता है वो जब इंडिविजुअल आएंगे तो बताएंगे अब देखिए अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट इन द हिप उसके हिप में लेंग में ब्रेस्ट पे ये सब देख सकते हैं फैट का जो डिपोजिशन होता है ठीक है ना फिर आपका देखिएगा कि उसका मैचूरेसन होता है मैचूरेशन करता है यूट्रस को वैगिना को ठीक है ना मैच्योर बना रहा होता है साइज में सेप में हर तरह से एस्ट्रोजेन जो होता है उसी का ये सब है एस्ट्रोजेन में ही आपको ये देखने को मिलेगा एस्ट्रोन हो गया एस्ट्राडायोल हो गया एस्ट्रायोल हो गया ठीक है ना ये तीनों मिला दिए तो क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा एक हम बोल सकते हैं फिर इस्ट्रोजेन ये तीनों मिला दिए तो फिर कलेक्टिवली हम लोग क्या लेंगे एस्ट्रोजन बोल लगे मेनोपॉज क्या होता है कि 40 से 50 साल में मेनोपॉज आ जाता है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब है कि ओवरी अब क्या करेगा गेट स्मॉलर हो जाता है उसमें और ये जो एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है प्रोग्रेस्टॉन बनना बंद हो जाता है तो इसी के वजह से क्या हो जा जाता है मैंसुल साइकिल उन का खत्म हो जाता है प्रेग्नेंट अब नहीं हो गए मैंसुल साइकिल खत्म हो गया मतलब होम्स ऑवरी नहीं बनेगा वो सारा जो खेला हो रहा है वो आप समझ रहे होंगे क्योंकि हम आपको बच्चा नहीं समझ रहे हैं कि दो साल का बच्चा पढ़ रहा तो आपको समझ में आ रहा होगा और उसके बाद हम लाना होगा तो इंडिविजुअल क्लास लाएंगे तो बताएंगे यहाँ देखिए प्रोग्रेस्टॉन जो होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द ऑवरीज वही बनाता है प्रोग्रेस्टॉन और अंदर जाइएगा कौन बनाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है अब देखिए ये प्रोग्रस्टॉन क्या करता है तो सेकंड हाफ में क्या करता है प्रोविस्टॉन प्रिपेयर करने लगता रहता है यूट्रेन के लाइनिंग को ताकि वो रिसीव कर सके फर्टिलाइज एक को समझे तो इस तरह से ये खेला हो रहा होता है उसके बाद यहाँ पे क्या करता है कि प्रोग्रिस्टॉन जो होता है ऑबरी के प्रोग्रिस्टॉन वो किस पे निर्भर करता है तो फर्स्ट दस वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है इसी पे निर्भर करता है ऑबरी से आपका प्रोग्रिस्टॉन निकल रहा होता है उस पर पहला दस वीक जो प्रेगनेंसी का इस पे डिपेंड कर रहा होता है लेकिन फिर जब प्लासेंटा बन जाता है तो खुद ये प्लासेंटा जो होता है प्रोग्रिस्टॉन बनाता है समझे फिर यहाँ से वो हो जाता है गाइडेड उसके बाद यहाँ देखिए कि ओवरी एंड प्लासिनटा जो है वो क्या बना बनाता है तो रिलैक्सिन हार्मोन आपका निकालता है ऐसा नहीं है कि प्लासिंटा नहीं करता है प्लासिटा भी निकलता है फिर प्लासिटा क्या होता है एक टेम्प्रोरी ऑर्गन है ठीक है ना जो भाया एम्बेलिकल अम्म, कोड से वो ट्रेन के वाल में अब कनेक्ट होता है और ये ये क्या करता है एक थर्मो रिगुलेशन की तरह काम करता है प्लासिटा वेस्ट जो है उसका बाहर निकालता है गैस को एक्सचेंज करता है भाया द मदर का ब्लड के थ्रू ये कर रहा होता है ये सारा खेला समझे तो मदर का ब्लड के थ्रू कर रहा है अब सोचिए ब्लड ब्लड को कैसे उनका खून का फिर तो गंदा हो गया गंदा नहीं होगा स्प्लिन के थ्रू वो सारा फिर खेला हो रहा होता है ना तो सारा प्रोसेस हो रहा होता है वहाँ पर तो प्रोसेसिंग क्या हो जाता है जब प्रेगनेंट होती है हमारा ये सारा सिचुएसन आता है तो वो बढ़ जाता है उनका सारा प्रोसेस और क्या देखिए प्लासिटा जो होता है वो क्या करता है क्या, क्या निकालता है तो ये हार्मोन निकालता है एस्ट्रोजिन जो क्या कर जो कर देता है क्या ब्रेस्ट को इलाजमेंट में ये मदद करता है एस्ट्रोजिन तो प्लासेंटा भी निकालता है ये और फिर एंड रिलैक्सिन निकालता है प्लासिटा प्र, प्र, तो देख रहे हैं ये रोल कैसे है माँ को भी हेल्प करता है प्लासिटा सिर्फ बोबी बेबी को नहीं हेल्प कर रहा है माँ को भी हेल्प करता है और प्रोगस्टॉन रिलैक्सिन निकालता है इसका क्या काम है और निकालता है फिर आप देख सकते हैं कि प्लासिटल लैक्टोजेन निकालता है जो कि डेवलप करता है डेवलप करने में फेटल कैमेटेबलिज्म में मदद करता है और रिलैक्सिन वगैरह से आप देख सकते हैं डिलीवरी के समय ये सब हार्मोन क्या होता है ज़रूरी होता है नीट होता है अच्छे मात्रा में निकलना चाहिए आप देखिए यहाँ पे कोरियोनो गनाइडोट्रॉपिक हार्मोन जो है ये पहला हार्मोन होता है जो पलासिटा बनाता है इसीलिए इस इसको क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट में इसी हार्मोन को देखा जाता है ये हार्मोन अगर मिला तो जो प्रेगनेंसी किट रहता है उसमें क्या होता है ये डिटेक्टर हार्मोन रहता है क्योंकि सबसे पहले यही बनेगा तो पलासिंटा आया मतलब क्या हो गया पलासिटा अगर बन बन रहा बन रहा है मतलब क्या हो गया मतलब तो ये हार्मोन बनेगा तो ये हार्मोन बनेगा तो इसी हिसाब से प्रेगनेंसी टेस्ट में इस्तेमाल कर लिया जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या होता है मैं यहाँ हार्मोन को चेक करते हैं जो यूरिन से बाहर आता है ये ये प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं जो ये यूरिन से बाहर आएगा ये वाला हारमोन तो वो हारमोन क्या होता है कि पेशाब के थ्रू ससु के थ्रू बाहर आता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट में वही सुसु क्या करते हैं उस उसकीट पर गिराते हैं तो उससे पता चलता है अगर वो कलर चेंज करेगा एंड समथिंग लाइक डैट तो उससे पता चलता है कि अगर हाँ कि मतलब ये हारमोन बना तो डैट मींस आप प्रेगनेंट हो चुके हैं समझे तो इस तरह से होता है अब किडनी देखिए अभी, अभी अभी आपको बुलाएँ बताएँ हम कि प्लासेंटा जो है वो फिर बाद में दस वीक तक ये करता है उसके बाद ये करने स्टार्ट हो जाता है जब प्लासेंटा बनता है कब बनता है प्लासेंटा आएगा आगे बताएंगे ठीक है तो वहाँ आप फिर आप बातों को जोड़िएगा तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाइएगा समझ में आया अब यहाँ गया आपका अब किडनी देखिए किडनी निकालता है हारमोन जो क्या है रेनिन हारमोन रेनिन हारमोन निकालता है आपका एरेथ्रोप्रोटीन निकालता है अब तो रेनिन से क्या होता है कि ये पेरीसाइट्स यानी म्यूरल सेल्स किडनी के पेरीसाइड्स म्यूरल सेल्स से ये ही बनाता है कौन सा रेनिन हार्मोन और रेनिन हार्मोन का क्या काम होता है कि हार्ट बीट बढ़ा देता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है किडनी में ठीक है ना वो चीज़ को बढ़ा देता है और मदद करता है रे करने के लिए वाटर एंड सोडियम का लेवल को तो रेनिन हार्मोन इस तरह से भी यूजफुल है ना कि खाली डाइजेशन uh, में बाकी यहाँ देखें कि मीन uh, और मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है ये रेनि हार्मोन तो इस तरह से ये यूजफुल है यूजफुल है कि नहीं जी तो किडनी देखना यूजफुल है, है कि नहीं किडनी किडनी ख़राब होगा तो ये चीज़ें डिस्टर्ब होगा डिस्टर्ब होगा तो ये चीज़ें अच्छा से नहीं होगा तो फिर क्या होगा दिक्कत तो सारा ऑर्गन अच्छा होना चाहिए ताकि उसे हाँ निकलने वाला चीज़ें अच्छा होना चाहिए वो अच्छे से रेगुलेट होना चाहिए समझ में आ रहा है क्या अब देखिए एरेथ्रोप्रोटीन जो होता है द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल इन द बोन मैरो तो बोन मैरो में जो रेड ब्लड सेल बन उनका फॉर्मेशन हो रहा था उस चीज़ को स्टिमुलेट करता है कि और बने अच्छा बने वो हो प्रोसेस समझे तो ये ये हार्मोन उस चीज़ के लिए है अगर मतलब ये हार्मोन ना निकले तो वो चीज़ को स्टिमुलेट नहीं करेगा मान लीजिए कि आपको बाहर से हम कोई चीज़ ऐसा खाना नहीं बनाए देखिए अभी एग्जाम्पल देंगे तो वीडियो लंबा होगा इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एग्जाम्पल और ज़्यादा समझाएँगे तो वीडियो लंबा बाबा बाबा बाबू आधा घंटा चला गया समझे वीडियो अब यहाँ देखिए अभी सवाल बचा हुआ डिस्क्रिप्शन बचा हुआ बहुत चीज़ बचा हुआ यहाँ पे देखिए एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो होता है कैलसीट्रोल क्या है कैलसीट्राइल ये एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी है और ये क्या करता है इं, जो इंटेस्टिनियल एबजॉर््शन ऑफ तो कैल्शियम ठीक है तो ये प्रमोट करता है आपका जो इंटेस्टिनियल है वहाँ पे कैल्शियम को कोब्जॉर्बसन करवाता है समझे और ये जो यही मदद करता है कैल्सिट्रॉल हार्मोन निकलने की वजह से तो ये कहाँ से निकल रहा होता है किडनी निकाल रहा होता है और जो रीनल है रीनल रीनल में रीऑब्जर्बसन करवाता है किस चीज़ का फॉस्फेट का तो ये दो काम हो गया इसका और उसके बाद आप देखिए म्यूकस ग्लैंड ऑफ एलिमेंट एलेमें, एलिमेंट्री कैनाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल में आपका स्टोमक इंटेस्टाइन से पार्ट हो जाता है तो स्टोमक में जो म्यूकस ग्लैंड होता है वो क्या करता है वो हार्मोन निकालता है तो स्टोक में म्यूकस ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकाल रहा होता है तो गैस्ट्रीन निकाल रहा होता है Uh, in, uh, और उसके बाद इंट्रोगेस्ट्रोन और ग्रलिन तो गेस्ट्रीन से क्या करता है तो ये गैस्ट्रीन जूस को निकालने में मदद करता है गैस्ट्रीन हार्मोन ठीक है इंट्रो इंट्रोगेस्ट्रोन क्या करता है कि ये रोकता है सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस से कि ज़्यादा ना निकले ये वो उस हिसाब से वो गाइडेड हो रहा होता है ग्रिलीन क्या करता है ये स्टोमक जब आपका स्टोमक एम होगा खाली रहेगा तो ग्रिल क्या करता है सिक्रेट करता है और ग्रलिन जो होता है इज सिक्रेटेड ये ये निकलता है ठीक है अस्टोमक जब आपका खाली है तो ये हार्मोन निकलना शुरू होगा कभी ये हार्मोन निकलेगा जब इस्टोमक आपका खाली होगा और यही वजह बनता है ये हार्मोन निकलने की वजह से ये क्या करता है कि हैपोथैलमिक ब्रेन का सेल जो होता है उस उस पर एक्ट करना स्टार्ट करता है और जिसके वजह से क्या होता है हंगर आप महसूस करते हैं कि आपको भूख लग गया और इंक्रीज कर देता है गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को कौन ये ग्रेलिन ये इंक्रीज करेगा डिक्रीज नहीं करेगा ये बढ़ा देगा गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को ताकि क्या हो सके और गैस्ट्रो इंटेस्टेनियल मोटिलिटी को ये दोनों चीज़ को बढ़ाता है ताकि फूड आप इंटेक करें बॉडी करें और चीज़ें फिर हो आगे फर्दर अब यहाँ पे देखिए कि जो इंटेस्टेनियल हार्मोन है ठीक है हार्मोन सेक्रेटेड बाय इंटेस्टेनियल तो इंटेस्टेनियल का जो म्यूकस ग्लैंड उसके थ्रू आप देखिएगा तो वो क्या निकालता है तो वो निकालेगा निकालेगापेटोक्राइनिन जो क्या करेगा ये आपको लीवर को और ये एस्टिमिलट कर देता है लीवर को ताकि वो क्या करे बायल जूस निकाले अब बायल जूस निकालेगा तो क्या होगा आप पूरा बताएंगे तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा आप समझिए क्या होगा रिलेट कीजिए चीज़ों को रिलेट करके बताना होगा तो इंडिविजुअल क्लास ला बताएंगे अब यहाँ पर देखिए सिक्रेटी जो होता है सिक्रेटीन ये क्या करता है ये ये एटमिलेट करता है किस चीज़ को एस्टिमेट करता है इसका क्या काम होता है तो ये पेनक्रियाज को इस्टिमिलेट कर देता है ताकि वो पेनक्राइटिक जूस निकाले समझे उसके बाद यहां देखें पेनोक्रियोजियोमेन यह भी निकलता है यहां से फिर कोलो कोलो आपका कोलेसाइटो कोलोसाइस्टो किनिन ये भी निकलता है इसका क्या काम होता है कि ये एस्टिमिलट करता है कि कॉन्ट्रैक्शन कर सके गॉल ब्लैडर को तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करता है गॉल ब्लैडर को तो बाइल जूस जो होता है डिडोना में चला जाता है समझे उसके बाद इंट्रोकैर इंट, जो होता है ये क्या करता है तो ये ये एस्टिमिलट कर देता है आपके जो इंटेस्टाइन का वाल होता है ताकि वो इंटस्टाइनियल इंजाम निकाले और ताकि वो पूरा डाइजेशन हो सके अब यहाँ पर देखें कि सम सेल ऑफ़ आवर स्किन निकालता है जैसे कि इर्गो कैल्सिफ़रॉलो हारमोन निकालता है चोले कैल्सिफोलोर निकलता है इर्गो कैल्सियम हार्मोन जब निकलता है तो क्या मदद करता है तो मदद करता है कि कैल्सियम फास्फोरस को क्या करें एब्जॉपन करने में और ये बोन फॉर्मेशन को भी बोन फॉर्मेशन करने में मदद होता है और हारमोन का काम क्या है मैसेंजर और रेगुलेटर की तरह मैसेंजर मैसेज की तरह भेजता है कि हाँ ये करो ये करो रेगुलेशन करता है कि अच्छा ठीक है हम ही करते हैं ये 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 ठीक है मैसेंजर होता है कि ब्रेन को भेजा फिर वहाँ से ये चीज गाइडेड हो रहा फिर वहाँ गया सेंस फिर वहाँ सिग्नल तो ये रिलेट करने के लिए जब होगा तो हम आपको सिंगल सिंगल आके बताएंगे बाकी आप आपको बता दें क्या क्या फंक्शन है किसका तो आप खुद जोड़िए कनेक्ट कीजिए जानना और सीखने में यही अंतर होता है जान तो गए आप सीखिए सीखने मतलब जोड़िए चीज़ों को समझे आप जोड़ने वाला हम बताएंगे अलग से वीडियो लाएंगे तो यहाँ बताएंगे यहाँ मकसद अलग है इसलिए यहाँ पे वो चीज़ नहीं बता रहे हैं यहाँ पे क्या मकसद है आपको मालूम होगा सारे सवाल से गो थ्रू करवाना है अब देखिए यहाँ पे फेरोमोन्स क्या होता है फेरोमोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है और अपने बॉडी के आउटसाइड निकालता है कौन निकालता है वो आउटसाइड निकालता है ताकि क्या हो सके कि सेकंड इंडिविजुअल सेम स्पीसीज को वहाँ उसके पास अट्रैक्ट हो सके और मीटिंग हो मीटिंग मतलब समझ रहे ना मिले और सेक्सुअल हो रिलेशन बने और फेरोमोन्स को कि हम लोग एक्टो हारमोन्स भी बोलते हैं और एक्चुअली एग्जाम्पल के

समझ रहे हैं ना मूड लाइट मूड एंड समथिंग लाइक डैट बी एंड बी आंट और मैट जो होता है इसका क्या एग्जाम्पल है ये क्या निकालता है जिससे सब एक जगह यही है जैसे बी हो गया आंट हो गया मैट ये निकालता है जैसे सब एक जगह क्या हो जाता है आ जाता है जैसे कि ये फिर मून सबस्टांसिस निकालता है जैसे आप देखते होंगे घर में कि बहुत सब चीटी एक जगह कैसे सब चीटी एक जगह या तो शुगर गिरा है तब सब चीटी एक जगह या फिर वो ऐसा हार्मोन निकालेगा जिसको क्या बोलते हैं फेरोमोन्स बोलते हैं एक्टो हार्मोन्स जिसके वजह से वो सब एक दूसरे को सेंस कर लेता है और खटाक से उसके पास पहुंच जाता है समझे एक पार्टिकुलर प्लेस पे आ पाते हैं सब एक दूसरे एक जगह पे समझे तो ये देख रहे हैं हम आपको बुलाएंगे तो हम कोई हारमोन निकाल के नहीं ना बुला सकते हैं हम आपको क्या कर सकते हैं आवाज़ देकर बुला सकते हैं हमसे आप थोड़ा सा दूर हैं तो, तो ये अपना काम कैसे कर रहा है इस तरह से कर रहा है समझ रहे अब यहाँ पर देखिए सीधे आप सवाल आते हैं डक्टलेस ग्लैंड जो होता है इंडोग्रैन ग्लैंड जो है वो डकटलेस ग्लैंड है मतलब इसमें कोई डक्ट नहीं होता है सीधे कहाँ छोड़ेगा अपना सेक्रेशन खून में ब्लड में फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पीनियल ग्लैंड पिट्री ग्लैंड थाइमस हो गया थायरॉड हो गया पारा हो गया इट्रियल ग्लैंड इस सब डायरेक्ट ब्लड में छोड़ता है और इस सबसे स्मालेस्ट इंडोग्रैन ग्लैंड जो है आपका पिट्री है इस सब में ऐसे पिट्री नहीं ऐसे पीनियल है समझे और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जीरो पॉइंट फाइव ग्राम इसका साइज होता है और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम लोग हैप्पोफाइसिस सेरेबी ठीक है से और स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड देखिएगा तो पिनियल है आपका सबसे उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है ये पेनकेरियाज और एज एज एन इंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है ना एजन य इसको मिक्सड ग्लैंड भी बोलते हैं एज एन इंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या काम करता है तो रिक्लेक्ट करता है ब्लड शुगर लेवल को और ये क्या करता है सिक्रेट करता है हारमोन जैसे कि इंसुलिन वगैरह हो गया ठीक है और आपका ग्लूकागोन हो गया सोमैटो हो गया पेन और पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड है ये सारा निकलता है और ये पिनक्रियाज क्या करता है एज ए एज एंड ग्लैंड ये क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है और कॉर्पस ल्यूटम जो होता है वो क्या है ये जो मास उफ सेल है ना जी उससे बना हुआ है और ये कहाँ पाया जाता है ये तो आपके कॉर्पस न्यूटम ऑबरी में पाया जाता है आपको बताए थे पीछे भी कि कॉर्पस ल्यूटम क्या कर रहा होता है फिर बताएंगे लंबा होगा अब यह देखिए कॉर्पस न्यूटम क्या करता है तो यही निकालता है प्रोकेस्ट्रॉन तो के कहाँ से निकल रहा होता है प्रोगेस्ट्रॉन जानते हैं कि ऑबरी निकलता है लेकिन का कौन सा पार्ट ऑफ मास ऑफ सेल तो यही कॉर्पस ल्यूटम जिसको उस पार्टिकुलर मास ऑफ सेल को क्या बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटम नाम हो गया कुछ है नहीं समझे एंड्रोजेन हार्मोन जो क्या है सेल ऑफ लीडिंग जो है वही निकलता है एंड्रोजेन हार्मोन और सेल ऑफ लीडिंग क्या करता है रेगुलेट करता है डेवलपमेंट करने के लिए और मेन्टेनेंस करने के लिए मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे और टेस्टोस्टोरिन जो है एंड्रोजेन हार्मोन क्या फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एंडोजन हार्मोन का ही है टेस्टोस्टोरिन बताया था तीन चीज़ था ना वहाँ पे गुनाइड जो था ऊपर uh, ऊपरस्टोन uh, करेगा निकालेगा सिक्रेशन करेगा एडिनल से कोटेसोल निकलता है बाकी आप जान रहे हैं पिटेटरी ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्वांटिटी ऑफ यूरिन जो होता है किडनी से ही आपका क्या होता है एडीएच हार्मोन जो होता है उसको कंट्रोल करता है कि कितना बनाना नहीं बनाना है पीछे भी बताया था आप देखिएगा जाके एडीएच उसी को बोलते हैं एंटी एंटीडायोरिटिक हार्मोन ये क्या करता है पिटेटरी ग्लैंड निकालता है ये हार्मोन और ये हार्मोन यही क्या करता है कंट्रोलिंग करता है सिकरेसन करने के लिए यूरिन को फ्रॉम द किडनी के कितना करना है नहीं करना है तो ये एडीएच वगैरह जो है किडनी कहाँ से कैटेड होता है तो ब्रेन के वो पार्ट से तो ब्रेन के वो पार्ट क्या कर रहा होता है ये हारमोन निकाल रहा होता है समझे तो वो कौन सा ब्रेन का पार्ट एडीएच निकाल रहा है तो पेटेट्रिक्लाइन निकाल रहा है कौन सा हारमोन हारमोन ये हारमोन क्या कर रहा है ये सीधे सेंस करवाता है वो किडनी के वो उस मसल्स को पर्टिकुलर को हीट करता है कि ये करना है ये ये करना है समझ में आ रहा है कितना सब एक दूसरे से लिंक है तो आप अपनी जिंदगी में एक दूसरे से जानिएगा और उसके बाद आपका ग्रोथ लेवल और ज़्यादा होगा अकेले भी रह सकते हैं आप देखिए बहुत सच एक दूसरे के टर्म एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोल दिया तो ऐसा क्या फैक्टर है क्या नहीं कंडीशन है साथ रहने से अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर आप नहीं रह सकें क्योंकि अगर आपको ब्रेन को हीट कर रहा है चीज़ें प्रॉब्लम कर रहा है तो वहाँ पर साथ रहना क्या होगा गलत हो जाएगा तो बहुत सच फैक्टर बहुत सीज़ है वो डिपेंड करता है ऐसे एक लाइन में बोलना कोई भी चीज़ सही नहीं होता समझे ओवरेज और फीमेल जो होता है फीमेल में आपको ओवरेज देखने को मिलेगा ये क्या निकलता है तो प्रोवेस्ट्रॉ निकलता है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है रिच uh, डाइट जो भी है कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट वो क्या देखिएगा आप जैसे हार्मोन जो होता हो पेनक्रिया कॉजेज सच ए कंडीशन क्या कंडीशन बनाता है कि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जो होता है जो फिर भी ब्लड शुगर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है कॉन्स्टेंट रहता है क्यों अगर हम कार्बोहाइड्रेट डाइट रिच खूब खा रहे हैं फिर भी हमारा ब्लड का ब्लड शुगर में हमारा जो आ, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो उसका कॉन्सटेंट है क्यों क्योंकि पनकियाज से हार्मोन निकल रहा ना इंसुलिन और वो तीन जो अल्फा आलप, बीटा गामा निकल रहा था तो इंसुलिन ही था ना उस चीज़ को कंट्रोल करने में ब्लड शुगर लेवल को तो इसलिए क्या होता है ब्लड ब्लड में शुगर का कंसनट्रेशन शुगर का लेवल मेंटेन करने की कोशिश करता है अगर वही दिक्कत हो जाएगा पेनकिया जैसे बीटा सेल से वो निकाल नहीं पाएगा ठीक है ना वो मतलब इंसुलिन तो दिक्कत हो जाएगा फिर तो ये इस तरह से हो रहा होता है बीटा सेल ऑफ़ द पेन क्या निकलता है क्या इंसुलिन हार्मोन जिसकी वजह से वो क्या होता है जो रिड्यूस कर देता है ब्लड ग्लूकोज कंसन्ट्रेशन को जिस तरह से वो गाइडेड हो रहा होता है इंसुलिन क्या करता है इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो डायबिटीज आप हो जाएगा डायबिटिक पेशेंट्स हो जाएगा और इसका हैप्पो हेपो के लिए मतलब अच्छा से ये नहीं निकल पाया तो मतलब क्या हो जाएगा लो ब्लड ग्लूकोज टू तो लो ब्लड इससे क्या हो जाएगा लो ब्लड ग्लूकोज से ज़्यादा मतलब आपका टू मच इंसुलिन निकलने से हो जाता है तो हाइपोगलॉमिक सेम है क्या है मतलब आपके ब्लड में क्या होगा ग्लूकोज कम हो जाएगा ये कब होगा जब आपको मच इंसुलिन निकल जाए बहुत ज़्यादा इंसुलिन निकल जाए तो वो और क्या कर देगा कम कर देगा समझे और इंसुलिन की कमी से क्या होता है टू मच निकलने से ये हो जाएगा और इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा आप डायबिटिक हो जाएगा मतलब आपके 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 ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा समझे अब यहाँ देखिए कि पेनक्रिएटिक पेनक्रियाज होता है वो डिफेक्टिव तो वट तो वुड अगर पेनक्रायाज आपका ख़राब हो गया डिफेक्टिव हो गया मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा क्या नहीं बनाएगा तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर नॉट फॉर्म्ड नहीं बना पाएगा बाकी ऑप्शन और नहीं दिया है तो आपका वही है अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा नहीं डेल्टा वो जो बनाता था आपका वो नहीं बन पाएगा यहाँ पर तो अभी यहाँ तक बीटा सेल ऑफ इट्स आईलेट जो होता है ऑफ लैंग्रियस यही पेनक्रियाज निकलता है तो पेनक्रियाज होता है पेन पिनक्रियाज जो होता है वाइल वीटा सेल ऑफ द ऑफ इट्स आईलेट ऑफ फ्लैंग समझे यहाँ से वो चीज़ सिक्रेट हो रहा होता है इंसुलिन अल्फा तो यहाँ देख रहे हैं ना आईलेट ऑफ लैंग पिनक्रियाज के आईलेट ऑफ फ्लैंग्रेस बीटा से बीटा सेल किसका ऑफ़ इट्स आईलेट ऑफ़ फ्लैंगस तो उस, उसका जो आईलेट ऑफ फ्लैंग्रेस का जो बीटा सेल है वो क्या करता है सिकरेट इंसुलिन करता है समझ में आया उसके बाद आप यहाँ देखिए यहाँ क्या बता रहा है इंसुलिन बोल इंसुलिन जो होता है तो आइलेट ऑफ लैंग्रेस यह क्या बनाता है इंसुलिन बनाता है यहाँ और उसके बाद यहाँ देखिए सिक्रटिन हार्मोन जो होता है क्या करता है तो वो एस्टिमिलेट करता है पिनक्रियाज डाइजेस्टिव जूस को निकालने के लिए तो ये ये हार्मोन हारमोन को क्या कर रहा होता है एस्टिमेट करता है कि वो अपना डाइजेस्टिव जूस निकाले और सक्रेटिन हार्मोन जो होता है वो रेगुलेट कर रहा होता है पी ऑफ ड्यूडोनम को ताकि वो क्या हो अच्छा काम करता है बताए थे ना जी ड्यूडोनम में ही अच्छा काम होता है अल्कलाइन जब रहता है तो, तो ये चीज़ें को बना रहा होता है और ये क्या करता है ये निकलने से पूरा बताने लगे क्या हम कि बाहर निकलता है और ये वो निकलता है जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है एसिडिक से अल्कलाइन बनता है चूँकि आपका वहाँ अस्टोमक से आपका एसिडिक फूड आ रहा होता है देखिए आप समझ रहे होंगे उतना ज़्यादा इस चीज़ को बताएंगे लंबा जाएगा यहाँ देखिए कि पेप्टाइट हारमोन जो होता है एस सेल ऑफ द ड्यूरिनम में बनता है तो पेप्टाइट हारमोन ए, क्या है एक्चुअली सेक्रेटिन हारमोन इट इज पेप्टाइड हार्मोन ना जो प्रोड्यूस होता है कहाँ बनता है तो इन द एस सेल ऑफ ड्यूडेनम के कौन से पार्ट में बन रहा होता है तो इन द प्रोड्यूस इन द एस सेल ऑफ द ड्यूडेनम में बनता है ये और बाकी सारा पॉइंट बता दिया आपको और ये पॉइंट देखिए इसको भी रेगुलेट करता है कौन सेक्रेटिन हार्मोन इसको भी रेगुलेट कर रहा होता है कि एस्टोमक और लीवर में जो सेक्रेटीन हो रहा जो सेक्रेशन हो रहा होता है तो उसको भी वो ये क्या करता है रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे इंसुलिन जो होता है वो क्या है एक प्रोटीन है और इसको हम लोग पेप्टाइड भी बोल सकते हैं पेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है और इंसुलिन जो होता है वो उसमें जिंक पाया जाता है इंसुलिन में आपको जिंक पाया जाएगा और इंसुलिन जो होता है जिंक की कमी मतलब इंसुलिन भी आपको देख इंड वे में क्या हो गया उसकी भी कमी हो जाए हो गया इंसुलिन जो होता है वो उसमें एकामन इम्यूनो एसिड से बना हुआ है इंसुलिन अब आप सोचिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे बीस इम्योनो एसिड तो चीज़ों को जितना ज़्यादा जानिएगा ना उतना ज़्यादा ठहरा हुआ रहेगा अब देखिए इंसुलिन जो होता है रेगुलेट करता है जब मेटोलोलिजम तो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन ये सब का मेटोलिजम में भी ये रेगुलेट कर रहा होता है उस तरह से ये आपका सारा पॉइंट हम कवर कर लिया यहाँ पे आई थिंक सो या डन ये सारा कंप्लीट हुआ आपका उसके बाद आप यहाँ देखें इंसुलिन क्या करता है तो बॉडी टू बॉडी जैसे अलाव करता है हमारे बॉडी को ताकि वो क्या कर सके यूज कर सके शुगर को यानी ग्लूकोज जो है उसको यूज़ कर सके और कार्बोहाइड फ्रॉम फ्राम कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड में और फिर स्टोर करता है ग्लूकोज को फ्रॉम फ्यूचर यूज़ के लिए तो ये काम होता है इसका और फिर ये बफर बफर जो होता है जैसे मैं आप देख सकते हैं डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाई तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इंसुलिन का तो यही है इसमें आपका मेटल आयन के तौर पे ये मिलता है बफर के तौर पे डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डाइहाइड्रेट मिलता है तो जो आप खाना खाते हैं ना तो उस खाना खाने से जो कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बना जिसको शुगर बोलते हैं तो वो ग्लूकोज को क्या करता है ए, ये स्टोर कर देता है ग्लूकोज को फॉर फ्यूचर यूज के लिए कि आपको यूज करना है तो ये सारा यहाँ से हो रहा होता है तो अगर ये कमी होगा तो क्या होगा दिक्कत होगा ना जी ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा समझ में आया इसीलिए हो पाता है देख रहे हैं ना चीज़ें बहुत कनेक्टेड है तो ये कर नहीं पाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो, हो जाएगा समझ में आया अब यहाँ पे देखेंगे डायबिटीज़ पेशेंट जो होता है उसमें क्या होता है एक्सेस यूरिनेशन प्रॉब्लम हो जाता है पीछे पीछे भी बताया सुसु ज़्यादा आता है ज़्यादा करेगा वो उसी प्रोसेस इसी को क्या बोलते हैं कि उसको पॉली समझे तो यहाँ पे क्या होता है कि डायबिटीज़ पेशेंट को सुसु ज़्यादा आता है तो एक्सेस यूरिनेशन प्रॉब्लम हो जाएगा उसको ज़्यादा सुसु आएगा तो इसी इसी को क्या बोलते हैं कि उस पेशेंट्स को क्या हो गया पेशेंट को क्या हो गया पॉलीयूरिया हो गया समझे उसके बाद आप यहाँ देखिए उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि डायबिटिक जो इंसिपिडस होता है ये हमेशा क्या करता है दी पर्सन विद डायबिटिक इंसिपिडस मतलब उसको अगर डायबिटिक हो चुका है पर्सन तो उसको हमेशा प्यास लगेगा सुसु करेगा ये सारा खेला होते रहेगा उसके इसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है एंटी डायबोटिक हारमोन की कमी की वजह से ये हो जाता है ये चीज़ें ठीक है वो हारमोन एडीएच नहीं पहले भी बताए थे पीछे भी बताए थे जाके देख सकते हैं आप इसी को भैसोपेरिसन भी बोलते हैं तो ये हारमोन अगर ब्रेन से निकल रहा था ना जी पेट्रेटिकुलर निकल रहा था चीज़ें चीज़ को कंट्रोल कर रहा था पीछे जाकर रिलेट कीजिए समझ में आएगा अच्छे से देखिए समझ में आएगा और यही है क्या हो जाता है सो टू मच वाटर टू बी पास्ड हो जाना हो जाता है फ्रॉम द बॉडी से और इसके वजह से क्या हो जाता है सुसु ज़्यादा आने लग जाएगा अब ड्रिंकिंग ऑफ विस्की जो होता है जल्द जल्दी जल्दी आएगा आपका यूरिनेशन इससे क्या हो जाएगा विस्की वगैरह पीते हैं ये सब तो यूरिनेशन जल्दी जल्दी आता है क्यों क्योंकि ड्रिंकिंग ऑफ विस्की करने से क्या होता है बिहेव लगे डायोट्रिक सबस्टांस की तरह ये बिहेव करता है डायोटिक और इससे क्या होता है यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इसी से क्या होता है कि चूँकि यहाँ पर क्या हो जाता है ए कम हो जाता है कम जाता है जो इनहिबिट कर देता है डायोबिटिक इफेक्ट को ठीक है ना तो एडी एस यहाँ पे क्या करता है इनहिबिट करने लगता है डायबिटिक इफेक्ट को तो हमारा किडनी क्या होता है जिसकी वजह से अनेबल हो जाता है कि वो रिओ कर सके मच्छर की वेटाजूजल तो इसकी वजह से सुसु ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा समझे तो हमारा जो पिटेटिक लाइन जो है एडी एच निकाल रहा था वो कम निकलना स्टार्ट हो जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा इनहिबिट कर देगा डायोबिटिक इफेक्ट को और इसी की वजह से क्या होगा कि वो रि नहीं कर पाएगा इसकी वजह से सुसु ज़्यादा आएगा समझिए अब यहाँ पे देखिए इंसुलिन जो होता है रूट्स ऑफ द इसे से मिलता है इंसुलिन इंसुलिन जिस हम इंसुलिन कहाँ मिल जाएगा आपको रूट ऑफ द एलिया में देखने को मिलता है और बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज जो होता है, है और आपका इंसुलिन कहाँ मिलेगा बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज भी इंसुलिन बनाता है वहाँ से भी आपको इंसुलिन मिल जाएगा फिर मेलाटोनिन जो होता है वो सोने में मदद करेगा जैसे रेगुलेशन ऑफ स्लीप आप सो जो 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 है वो मेलाटोनिन हार्मोन से ही गाइडेड हो रहा था एक्सोटोसिन ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड मेमरी ग्लैंड से जो बनता है दूध वगैरह तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का वजह से होता हो पाता है और गैस्ट्रीन जो होता है वो पेप्टाइड हार्मोन है ये जो निकलता है क्या गैस्ट्रिक एसिड बाई गैस्ट्रिक सेल्स गैस्ट्रिक सेल के द्वारा गैस्ट्रिक एसिड बना रहा होता है यही गैस्ट्रीन जो कि पेप्टाइड हार्मोन है अब ये यह देखिए यहाँ पे हगिंग एंड किसिंग ऑफ मदर जो होता है टू तो हर बेबी इससे क्या निकलता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और ऑक्सीटोसिन को कहते हैं कि हार्मोन ऑफ लव कहते हैं या फिर कैडल हार्मोन बोल सकते हैं या फिर आप यू यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन हो गया ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ चाइल्ड बर्थ जब देता है तो यूट्राइन जो कौं, में कॉन्ट्रैक्शन जो देखने को मिलता है उसमें भी क्या होता है ऑक्सीटोसिन निकल रहा होता है उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीटोसिन हारमोन जो है वो क्या करता है स्ट्रेच द सर्विक्स एंड यूट्रस ठीक है ना तो जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ में भी हेल्पफुल होता है वो मदद हो गया ना नॉट ए प्रोटीन ऑक्सीटोसिन प्रोटीन ही है करोटीन वगैरह फेब्रोइन और कोलेजन ये सब प्रोटीन है उसके बाद यहाँ देखेंगे काव एंड बोफैलो जैसे ऑक्सीटीचीन जो होता है इसके इसके लिए जो होता है काव एंड बोफैलो का जो मिल्क के थान जो होता है का जो थान जो होता है उसका तो उसके थान तक आए तो उसके लिए क्या करता है लोग ऑक्सीटीसिन हारमोन का इंजेक्शन दे देता है समझे कि उसका मिल्क थान तक आ जाए कॉ का या बोफैलो का तो ऐसा हार नहीं पीना चाहिए इससे गड़बड़ होता है ऐसा वाला जो इससे निकाला गया हो ऐसा अगर आप दूध पी रहे हैं तो आपको बीमारी हो सकता है बीमारी होने का वजह ही बनता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है उसको उसका ब्रांड नेम है पिटोसियन इस तरह से और उस तरह से वो आता है इंजेक्शन करके उसको इस तरह से पहुंचाता है ताकि उसके थान तक आए उसके बाद उसका दूध निकालता है और आप ये पीजिएगा तो आपको क्या होगा बीमारी का रीजन बनिएगा पिटट्री गलैंड क्या करता है ऑक्सीटेसिन हार्बोन निकालता है और फिर फंक्शन जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द पिट्री गलैंड जो होता है फंक्शन अगर देखिएगा ना जो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटिकट पर डिपेंडेंट करता है तो वो पाराथराइड का है और उसके बाद ये बनाता है क्या कैल्सिटोनोइन हार्मोन बनाता है पारा पाराथोराइड हार्मोन जो होता है पाराथोराइड हारमोन जो है और कैल्सिटोन हारमोन ये इसका क्या करता है ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ कैल्शियम को अपने ब्लड में और विद इन द बोन्स में बोन्स के अंदर भी कैल्शियम वैल्शियम का वो बैलेंसिंग करके रखता है रेगुलेट करता है समझे रेगुलेट मतलब क्या होता है जी ज़्यादा कम दोनों ना ज्यादा ना कम दोनों को रेगुलेट करना मतलब उसको बैलेंसिंग करना समझे उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि पैराथोराइड क्या करता है यही बनाता है पैराथोराइड हार्मोन और कल्सीटोर हारमोन ये दोनों क्या करता है जस्ट बेटमिनट यहाँ पे क्या गलत बोल दिया शायद आई थिंक काल्सोटोन तो थायराइड ग्रैंड निकलता था ना तो पारा थ्राइड हारमोन और थायराइड ग्रांड से निकलने वाला काल्सोटोन हार्मोन ये दोनों की चीज़ के लिए रिस्पांसिब है तो रेगुलेट करने के लिए अमाउंट ऑफ कैल्शियम को ब्लड में और विद इन द बोन में दो करने के लिए ठीक है समझ में आ गया होगा आपको अब यहाँ देखिए कि आर्डाज साल्ट जो होता है क्या करता है तो कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को ठीक है ना आडायसाल्ट और तो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करना मतलब उसके सेक्रेशन को कि कम निकालना ज़्यादा निकालना कितना निकालना है आर्डाइस की कमी होगा तो क्या होगा दिक्कत होगा टी थ्री टी फोर भी उसमें भी आयोडीन बना हुआ मिला हुआ था ठीक है उससे मिलकर ही बना हुआ है वो चीज़ें वो रखता है मतलब समझे और थायरोक्सिन हार्मोन क्या रखता है आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन में आपको आयोडीन देखने को मिलता है और ये आयोडाइज साल्ट जो होता है उसको उसको क्या बोलते हैं जैसे टेबल साल्ट प्लस अगर आप जो भी आपका साल्ट है अदर साल्ट जो है लेकिन आयोडीन का बना हुआ होना चाहिए तो वो दोनों मिलाइएगा ना तो उसी को आइडाइड साल्ट बोल जाते हैं कंट्रोल ऑफ द थायराइड ग्लैंड करता है ये अडाइड साल्ट उसके बाद ग्वाइटर डिजीज़ वगैरह जो होता है वो ज़्यादा होता है हिल वाला एरिया में क्योंकि हिल वाला एरिया में लो अमाउंट ऑफ आयोडीन लोग खाते हैं इसलिए और ग्वाइटर जो होता है उसमें इलार्जमेंट क्या हो जाता है थायरॉड ग्लैंड का इलार्जमेंट हो जाएगा जो कि पहले बताएँ और थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है तो हार्ट को डाइजे डागेश्ट, डाइजेस्टिव फंक्शन को मेटाबॉलिज्म को ब्रेन का डेवलपमेंट को बोन के हेल्थ को मसल्स के कंट्रोल को ये सब को क्या करता है रेगेट करता है चीज़ों को करने में मदद करता है और इसके कमी से क्या हो जाएगा आपको आपका किटनिजम हो जाएगा मैक्टेरिया हो जाएगा ठीक है ना डिजीज़ इन द चिल्ड्रेन तो ये आपको पीछे भी बताए थे कि ये डिजीज़ हो जाता है उसके बाद आपका यहाँ पे था ना इलाजमेंट हो जाता है और ये देखिए पुअर आयोडीन कंटेंट रखेगा अगर प्रेजेंट इन द सयल जिसकी वजह से क्या हो जाता है एग्रीकल्चर सो so, एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस हुआ उससे उसमें भी क्या हो जाएगा जैसे अनाज वगैरह ये वो जो कुछ भी है तो ऐसा एरिया में जहाँ पे आयोडीन के सॉइल उतना था ही नहीं तो वहाँ पे वो वो अनाज में भी नहीं आएगा ठीक समझे तो ट्रांसफ़र होता है तो एनर्जी हमेशा क्या हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं तो ऐसे लोगों के साथ रहिएगा जो आपका क्या कर रहा है ब्रेन को चोक कर रहा है ब्रेन को परेशान कर रहा है अच्छा नहीं महसूस हो रहा दैन आप धीरे धीरे क्या हो जाइएगा डल हो जाइएगा तो बेटर क्या होता है समझ सकते हैं आप इसके आगे क्या बोलो समझाइए या फिर समथिंग लाइक डैट आप अपना स्टेप लीजिए अपने हिसाब से कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना है समझाना है कितना लिमिट तक समझाना क्या है नहीं है किस लेवल का बॉन्डिंग है एंड समथिंग लाइक डैट आफ्टर देन आप अपना डिसीजन ले सकते हैं तो ये आपका हो गया कम्प्लीट यहाँ ठीक है उसके बाद आप देखिए टी एस एच हारमोन जो होता है एस्टिमेट करता है थायराइड ग्लैंड को टी एस एच हारमोन क्या कर रहा है एस्टिमेट करता है थायराइड थायरॉड ग्लैंड को और ये थायरॉड ग्रैंड ये लेरिस्टरस के बीच में पाया जाता है थायराइड ग्लैंड और ये थायराइड टी एस एच हारमोन एस्टिमेट करता है थायराइड ग्लैंड को इसका जो आप देखिएगा ना तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी फोर हो गया टी थ्री हो गया ठीक है ना टी फोर जो होता है इसका मतलब चार आयोडीन होता है आइटम इसमें और तीन आयोडीन आइटम इसमें होता है और थायराइड ग्लैंड क्या निकालता है तो ये सारा टी फोर टी थ्री जो है थायरोक्सिन और ट्रा आइडो थायरोनाइन निकालता है उसके बाद यहाँ पे आप ये हो गया आपका उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं थायराइड गैंड का जो सेल होता है वो वो जुड़ता है किसे जैसे आयोडीन हो गया और एमिनो एसिड का टायरेसिन ये दोनों से ऐसे जुड़ गया उसके बाद तब ये बनाता है जाके ये टी फोर टी थ्री टी फोर टी थ्री कैसे बन पाता है कैसे ग्लैंड जो होता है टी एस एच हार टी एस एच ये कहाँ से आ रहा है कहाँ आ रहा है बताइए ब्रेन का कौन सा पार्ट से आ रहा है वहाँ से आ रहा होगा और वो निकला तो ये सीधे क्या कर देगा थायराट और जैसे ही एस्टिमेट किया तो ये क्या करेगा इसका इसका जो सेल जुड़ा होता है तो वो आयोडीन और अमीनो एसिड के ट्रा, ट्रायोक्सिन से तब ये बनाता है क्या टी और टी का क्रिएशन करता है जिसमें क्या होता है चार आयोडीन का इसमें एटम से ये बन गया और टी का मतलब तीन एटम से ये बन गया इस तरह से हो गया फिर आयोडीन कंटेनिंग थायरॉक्सिन हारमोन जो होता है वो उसमें आपको अमिनो एसिड देखने को मिलेगा जो भी हम थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन कंटेनिंग रख रहा है तो उसमें क्या होगा आपका अमीनो एसिड भी होता है ठीक है ना उसके बाद ये आपका कंप्लीट होता है फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है क्या निकलता है एंगर हो गया फियर या डेंजर के, के केस में ये हार्मोन निकल रहा होता है इसी को फाइट एंड फ्लाई हार्मोन बोलते हैं और फेरोमोन्स जो होता है हार्मोन ये किसका वजह होता है ये अट्रैक्टिंग करता है पार्टनर को थ्रू द सेंस ऑफ द स्मेल जो कि आपको पीछे भी बता दिए थे इसके बारे में पूरा उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एडोलिन हार्मोन निकलने से क्या होता है कि जैसे ही निकला तो डायलेशन और ब्लड वेजल हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वाइसो डायलेशन इसके वजह से क्या हो जाएगा कि ब्रेन में स्कल्ट्रल मसल्स में हार्ट में लंग्स में लिवर में एडिपोज टिश्यू में सेंसरी ऑर्गन में इस सब में अच्छा ब्लड पहुंचना हो जाएगा ज़्यादा ब्लड पहुँचने लगेगा तो इसके वजह से आप क्या हो जाएगा फिर बिकम आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाइएगा और एक्साइटेड हो जाइएगा जिसकी वजह से क्या होता है ये इंड्यूसिंग करता है एक अलार्म रिएक्शन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द कार्डिक मसल जैसे ही ऐसे हुआ तो एक कार्डिक मसल्स को एक अलार्म जाता है कि अब तुम कॉन्ट्रैक्ट करो तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है तो फिर चीज़ें क्या हो जाता है पॉइंट तो जिसकी वजह से हार्ट हार्ट आपका हार्ट बीट पल्स रेट ये सब क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा ताकि वो सिचुएसन जो भी हो तो वो फटाक से वो सिचुएसन को आप क्या कर सकें रिकवर कर सकें उसके बाद यहाँ देखते हैं देखिए आप ये आपका हो गया फाइट एंड फ्लाई आई थिंक सब कंप्लीट है यहाँ देखिए ये एड्रीनल ग्रैंड क्या निकलता है तो एड्रेन या एपिनिफ्रिन जो कि पीछे बता दिए थे उसके बाद इसके निकलने से क्या होता है कौन सा हार्मोन की बात कर रहे हैं एड्रेनिन हार्मोन की बात कर रहे हैं इसके निकलने से और क्या होता है कि ये इंक्रीज कर देता है हार्ट बीट को फीलिंग ऑफ द एक्साइटमेंट लाता है ठीक है बता दिए आपको उसके बाद फॉलिकल जो होता है ओवरिज में जो फॉलिकल है वो फीमेल में ही होता है तो ये क्या करता है क्या बनाता है तो यही एस्ट्रोजन हार्मोन बना रहा होता है और इसका कौन बना रहा होता है पीछे भी बता बताएँ आपको कौन सा पार्ट बनाया है उसके बाद आप यहाँ देखिए कि सेक्रेटरी में कॉर्पस न्यूटम के थ्रू ठीक है ना वही बना रहा होता है कॉर्पस ल्यूटियम तो इसके थ्रू ये इस सारा चीज़ हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू उसके बाद एस्ट्रोजन जो होता है डेवलप डेवलप करता है एस्ट्रोजन डेवलप करता है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल को जैसे में एस्ट्रोजन के वजह वज़े से ही ब्रेस्ट बनता है उन उल्लो का और एंडोमेट्रियम जो होता है एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम जो है वो चीज़ें देखने को मिलता है और मिनसल साइकिल वगैरह जो होता है इसी हारमोन की वजह से हो पाता है अगर ये हारमोन का रिलीज ना हो तो इस सब में क्या हो जाता है अफेक्ट हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है कम निकलेगा तो कम हो जाएगा समझे अब थायरोक्सिन हारमोन जो होता है वो क्या करता है वो रिग्लेक्ट करता है मेटाबलिजम ऑफ द बॉडी तो बॉडी का जो मेटाबलिजम है वो कहीं ना कहीं कौन सा हारमोन है तो ये हारमोन नहीं निकल रहा है सब रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेकिन वो सब खा रहे हैं तो उसके वजह से भी वो चीज़ें हो रहा है हीट हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है जिसकी वजह से वो चीजें हो पा रही है जैसा आप देखते हैं उस हिसाब से क्या होता है बॉडी रिएक्ट करता है उस हिसाब से हारमोन निकल रहा होता है उस हिसाब से सारा चीज बैलेंसिंग हो रहा होता है तो थायरिक्सिन हारमोन क्या करता है रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म में तो, तो बॉडी को और एस्ट्रोन जो होता है वो क्या है माइनर फीमेल सेक्स है माइनर फीमेल सेक्स हार्मोन है ये एस्ट्रोन आपको बताया था एस्ट्रोजन का ही तीन पार्ट था ना उसी में था एस्ट्रोन भी है ठीक है एस्ट्रोजन को ही ऑस्ट्रोजन बोलते हैं समझे यही मेन है और यहाँ पे देखिए मेनो में क्या होता है कि इंड हो जाता है बनना क्या केगस्ट्रॉन जो होता है या एस्ट्रोजन ये हारमोनी बनना ई हो जाता है जिसकी वजह से ओवरी क्या करता है ओवरी बनाता है बनाता है स्टिल मतलब मतलब कम बनाता है जैसे ऑबरेज होता है वो बनाता है जैसे कि आपका टेस्टोजन वगैरह ओवरी भी बनाता है लेकिन बहुत कम बनाता है और वही कन्वर्ट हो जाता है ऐसा भी नहीं है ये जो टेस्टोस्टेरोन बना है ना वो बिच कैन भी कन्वर्टेड वो जो कन्वर्ट हो सकता है किस में एस्ट्रोजन में ठीक है एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है इन बॉडी फैट में बॉडी के फैट में ही वो क्या हो जाता है टेस्टोस्टेरोन वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है फिर एड्रिनल

गया ये तब दिक्कत या तो बना कम लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ समझे तो चीजों को आप जोड़िए हम उतना बताएंगे तो लंबा हो जाएगा वो पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे तो हम आपको डीपली उसमें क्या हो जाएगा ऐसे होगा तो वैसे अब देखिए यहां पे आपको ये सारा क्लियर हुआ फिर एस्ट्रोजन प्रोडक्ट करता है आफ्टर मेनोपॉज आफ्टर मीनो पॉज जब हो जाता है तो एस्ट्रोजन ऐसा नहीं कि प्रोड्यूस नहीं होता होता है लेकिन बहुत कम होता है इतना कम कि उसका आपका देख मतलब आपको उसका उतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है एक्सरसाइज जो होता है वो क्या करता है एक्चुअली एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो इससे ज़्यादा बनता है क्या बनता है, है? सोमेटो सोमेटोट्रोपिन जिसकी वजह से क्या होता है ग्रोथ हारमोनी है ना जी तो चीज़ें आपका ए, आपके फीवर फेवर में हुआ मींस का टेस्टिस क्या भी बनाता है ऐसा नहीं कि मीन्स का टेस्टिस प्रोस्ट्रॉन्ग नहीं बनाता वो भी बनाता है बहुत कम मात्रा में बनाता है बोमेंस का एडल ग्लैंड जो होता है या ओब्रिज होता है ठीक है ना बोमेंस में वो भी क्या करता है कम मात्रा में आपको टेस्टोरियन बनाता है समझा समझे वोमेंस में भी आपका टेस्टोस्टेरोन बनता है लेकिन कम मात्रा में और टेस्टोस्टेरोन ऐसा नहीं है कि खाली आपका टेस्टिस में बनता है एड्रिनल ग्रैंड भी बनाता है बताया था आपको पीछे एड्रिनल ग्रैंड कौन कौन सा कौन सा पार्ट बनाता है अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरीज जो होता है ओवरीज एड्रिनल और एड्रिनल ग्रैंड हो गया टेस्टिस हो गया ब्रेन हो गया ये सब बनाता है प्रोविस्टॉन समझे और प्लासेंटा में भी बनता है एक्चुअली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड प्लासेंटा में भी आप देख सकते हैं प्रोविस्टॉन तो ब्रेन भी बनाता है ये सारा आपको यहाँ इस यहाँ से प्रोविस्टॉन बन गया उसके बाद आप देखिए कि स्ट्रेस एड्रीनल ग्लैंड ज़्यादा निकलता है निकालता है कब एड्री ग्लैंड ज़्यादा निकालेगा कोर्टिसोल जब आप स्ट्रेज स्टेज में होते हैं या फिर आपका लो ब्लड गुल्लोकोज कंसनट्रेशन ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल कम है तो उस समय आप क्या होता है ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है ज़्यादा निकालता है कोर्टिसोल ताकि वो क्या सके कॉर्टिसो का क्या काम है अब फिर आप फिर से बताएं क्या पीछे आपको बताया था जाकर आप देख सकते हैं अब यहाँ पे देखिए कि आप और ये अच्छा कॉटिसोल जो होता है कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था बताइए एडिनो ग्रांड कौन से पार्ट से तो होते आर्डिनल के कार्टेक्स होता है उसी में आपका जोना जोना फैसिकुलोटा होगा था वहाँ से होता है उतना आपको नहीं जानना है वो ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा आपका जो मेडिकल स्टूडेंट है लोकल ले रहता है अभी देखिए यहाँ पे लिचितियन जो होता है वो क्या करता है फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड है ठीक है ना जैसे लाइपेज है टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना उसी तरह से लिचि... आपका लिसिथीन जो है वो क्या है फॉस्फोलिपिड है उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि पैराथोराइड हार्मोन जो है क्या करता है तो वो रेगुलेट करता है ब्लड में क्या किस चीज़ का कैल्शियम आप फास्टफिट का पहले भी बताए थे और ये रिड्यूस करता है रीअब्जॉर्प्सन करने का जो प्रॉक्सिमल ट्यूबल होता है ऑफ द किडनी तो इसके थ्रू वो क्या हो रहा होता है जस्ट बेट मिनट पाराथोराइड हार्मोन जो है उसमें आपको पी टी एच देखे थे ना जी पी टी एच देखे थे पाराथोराइड हार्मोन इसी को बोलते हैं अब एक्चुअली ये क्या करता है ये रिड्यूस कर देता है रीअब्जॉर्प्सन करने के लिए फास्ट जैसे फास्फेट के बारे में बता रहे हैं तो देखिए एक्चुअली पाराथोरॉइड हार्मोन जो होता है ज़्यादा भी निकलेगा तो भी दिक्कत है क्योंकि क्या करता है ये एक्चुअली कि जो किडनी का जो प्रोक्समल है जहाँ से रिब्जॉर्प्शन होता है तो उसमें जो फास्फेट वाला आयन होता है ना उसके रि को क्या क्या कर देता है कम कर देता है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यूरिन के थ्रू फॉसफेट ज़्यादा निकल जाएगा तो उसके हिसाब उसके लिए भी है तो इ, इ, बैलेंसिंग तौर पे होना चाहिए ऐसा नहीं कि बॉडी को फॉस्फेट का नीड नहीं है तो वो बैलेंसिंग तौर पे होना चाहिए तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि पैाथराइट जहाँ से गाइड हो रहा है वो वाला पार्ट भी अच्छा होना चाहिए पाराथराइट भी हारमोन निकल रहा है जहाँ से वो वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए तो ऑर्गन क्या होना चाहिए हेल्दी होना चाहिए तभी ये सारा चीज़ें क्या होगा हेल्दी में होगा अब देखिए ब्राइट ब्राइट लाइट दिन में जो होता है तो उसमें मेलाटोनिन जो होता है कम बनता है बॉडी में और पिनियल ग्लैंड जो होता है ब्रेन में है वो क्या क्या निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है जिसका काम क्या है कि रेगुलेट करता है अदर हार्मोन को बॉडी का कार्ड और बॉडी का जो कार्डियक रिदम होता है उसको भी ये मेनटेन करता है और मेलाटोनिन क्या होता है सो तो रात में ज्यादा निकलता है मेलाटोनिन निकलता है रात में ज्यादा और आपका इंसेक्ट जो होता है इंसेक्ट्स वो क्या निकलता है फिरोमोन्स पहले भी बताए थे जो कि क्या है केमिकल सब्सटेंस है जो मीटिंग के लिए बुलाता है एक दूसरे को या फिर एक दूसरे एक दूसरे को क्या करता है hmm. एक सिग्नल सेंडिंग करता है उसके हिसाब से ये आपका कंप्लीट होता है फिर नेक्स्ट वीडियो आपको लाते हैं तो उसके में आपको अपडेट करते हैं